अस्सलाम वालेकुम। हम के पकवान में आपका स्वागत है। मैं मुमताज़, मैं रमज़ान के लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ। मैं मटन शामी कबाब बनाने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यह आधा किलो गोश्त है, इसे हमने धो के ले लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साज़ ज़ीरा, 5 सफ़ेद इलायची, 30 काली मिरी, 7 लौंग, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल और 1 टी स्पून नमक। 1 कप दाल है, इसे हमने 2 घंटा भिगो के रख दिया था। ये 5 आलू है, इसे उबाल के ले लिया है। 10 से 12 तीखी वाली लाल मिर्च है। ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। चलिए गोश्त में सारे मसाले डाल के उबलने रखते हैं। हमने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें दाल भी डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे, सारे गरम मसाले नमक भी डाल देंगे और इसे अच्छे से चम्मच से हिला के 1 गिलास पानी डाल के कुकर की लिड बंद करके 5 से 6 सीटी दिला देंगे। देखिए गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसे हम दाल घुटनी की मदद से घोटेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ अपने खड़े गरम मसाले आप निकाल सकते हैं। हमारे इधर ऐसे खड़े गरम मसाले पसंद नहीं करते, इसलिए हमने निकाल दिया है। अब इसमें आलू डाल के उसे भी अच्छे से मैश कर देंगे। हमने एक बार सबको मिक्सर में घुमा के ले लिया है। अब हम इसकी टिकिया बनाते हैं। इस तरीके से हम छोटी छोटी टिकिया बनाएंगे। आप चाहे तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, चाहे तो तुरंत भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अभी टिकिया फ्राई करने लेते हैं। हम इसमें 4 से 5 टिकिया डाल के फ्राई कर लेते हैं। एक तरफ से टिकिया लाल हो गई है, अब हम इसे पलट देते हैं। देखिए हमारे शामे कबाब कितने अच्छे से बन रहे हैं, ज़रा भी टूट नहीं रहे हैं। अभी शामे कबाब को अलट पलट करके अच्छे से फ्राई करके निकाल लेते हैं। देखिए हमारे शामे कबाब बनकर तैयार है और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसे पुदीना, नींबू, सॉस, मायो चटनी के साथ खा सकते हैं। आप भी इसी तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे शामी कबाब कैसे लगे। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।